जी इन्होंने शुरुआत करते का, कहा गौरव जी माँ से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में होती है भारतीय जनता पार्टी और गौरव भारतीय आज गुजरात में सत्ताईस कर रहे हैं इनके पास बताने लिए कोई एजेंडा नहीं, आप नहीं, आप नहीं है बताने का कोई काम नहीं है आज ये कहते जी वो वीडियो थी वीडियो तो हम चुनाव जीतोगे क्या गुजरात के अंदर गुजरात वीडियो तुम्हें वोट देगी पहली बात इन्होंने कहा बच्चा है गोपाल इटाली बच्चे निश्चित रूप से बात मैं मानता हूं इनको यही दर्द है कि पटेल समाज का पाटीदार समाज का जिसको कुचलने का काम दो हजार में इन्होंने किया था जिस आंदोलन कुचलने का काम किया था वो पाटीदार समाज का बेटा आज कैसे आके आम आदमी पार्टी में लीडर बन गया इनको दर्द है इस बात का और उस दर्द को लेकर वो दर्द इतना बढ़ चुका है कि पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी का आई सेल हो गया गौरव भाटिया जी हो गए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक बच्चे के पीछे पड़ी हुई है कि बच्चा बच कैसे गया ये बच्चा आगे निकल क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत तो वो बच्चा ही करेगा गुजरात के अंदर ये इनको निश्चित रूप से पता है और अंत होने वाला है इन्होंने 27 साल का इनका वहां कुशासन रहा है गुजरात के लोगों से पूछो गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं वो दुखी हो चुके हैं इनकी गुंडागर्दी से इनकी माफियागिरी से और वो चाहते हैं कि गुजरात में बदलाव हो और मैं गौरव जी से कहना चाहता हूं कि वो बच्चे दे दे। ही बदलाव करेंगे गुजरात के बच्चे हैं ये बच्चे ही देश तकदीर लिखेंगे विधायक जी बच्चे विधायक जी अगर बदलाव चाहती है गुजरात की जनता तो उसको डेंट अगर कोई मार रहा है ना तो गोपाल इटालिया मान रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा आपके अध्यक्ष है साहब वो आपके अध्यक्ष है ना गुजरात के वो पीएम पीएम की माँ पर टिप्पणी अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो किसने कहा वीडियो है ना क्यों कर रहे हैं आप अंजना जी विधवा औरत किसने कहा था इस देश में बताएंगे आप जरा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था नहीं कहा था शशि थरूर की जो वाइफ है सुरंदर थरूर उनके लिए किसने कहा था ये बताएंगे नहीं बताएंगे जवाब देंगे उसके ऊपर ही नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी जो है महिला विरोधी पार्टी है ये कभी महिलाओं के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए जिंदगी में सुरेंद्र जी प्रधानमंत्री ने कहा है गालियों का काम आउटसोर्स कर दिया आप लोगों ने असल बात एक रैली भी नहीं कर रहे गुजरात से तो राहुल जी भी बच के निकल रहे हैं आज प्रियंका वाड्रा जी ने शुरुआत भी की तो सोलन गई है वहां कोई जा ही नहीं रहा बड़ा नेता अंजना जी तीन चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है पहली बात जब आदमी के पास कुछ करने के लिए नहीं होता कुछ बताने के लिए नहीं होता तो वो भावनात्मक मुद्दे ले आते हैं अपनी मां को ले आते हैं फिर भूल जाते हैं वो इसमें कि उन्होंने दूसरे की माँ को क्या क्या कहा कांग्रेस की विधवा किसने कहा स्वयं प्रधानमंत्री ने कहते ना बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल खाल निकाल लीजिए हमारी हमने गलत कहा लेकिन जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल जब प्रधानमंत्री स्वयं दूसरे की मां के लिए कुछ कहेगा तो सुनेगा नहीं सुनेगा वो एक बात दूसरी बात आप आ जाइए आज मसला ये है ही नहीं गौरव भाटिया ने तो बहुत आराम से पप्पू की तरीके से उछल उछल करके कभी लॉलीपॉप खा करके मुद्दा बदल दिया मुद्दा यहां पर यह है आज की गुजरात का इलेक्शन आपने घोषित क्यों नहीं किया आखिर ऐसे क्या कौन से कारण है कि गुजरात का इलेक्शन घोषित नहीं किया अब अब तक तो आपके तीन जमाई थे ईडी आई और सीबीआई आज चौथा जमाई हो गया इलेक्शन कमीशन आप बताइए छह महीने के अंदर का इलेक्शन है और डेट गुजरात की घोषित नहीं होती इतना डरे हुए हैं ये लोग क्यों क्योंकि वहां पर नौकरी नहीं है क्योंकि वहां पर महंगाई नहीं बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पर महिलाओं की जो माल न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा है तो इस बार गुजरात बत... जीत रहे ना आप। जीत रहे ना? निश्चित तौर पर कितनी सीटें देखिए ये इसीलिए कोई नेता भी नहीं जाने की जरूरत है आपको बता दूं प्रचार के लिए जितना डरे हुए हैं वो तो सीटे? वो तो प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में कह दिया मंच से कि भाई ये लोग जो है बहुत तेज काम कर रहे हैं हमारे जो जन मित्र है और कांग्रेस मित्र है और जो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता है इस बार गुजरात का इलेक्शन जीतवा रहा है बाकी ये लोग तो इन दोनों का तो वही हाल है कहते हैं तुम मुझे पंत कहोर मैं तुम्हें निराला एक दूसरे से फिक्स मैच खेल रहे हैं आपस की कबड्डी खेल रहे हैं लेकिन कहीं इसमें आप ना गेम से बाहर हो जाए ना ये तो जनता देखिए सर लग रहा है कि हथियार डाल आपने लग, लग रहा है हथियार ही डाल दिया कुलदीप जी कुलदीप पहली बार हमने सुना है कांग्रेस मित्र है जो आपको कांग्रेस मित्र है जो आपको जिता देंगे राहुल गांधी नहीं जाएंगे फिर मतलब नहीं हम आपको भरोसा टूट गया अंजना जी बहुत स्पष्ट रूप से आप तो बहुत दुनिया में जानी मानी पत्रकार हैं चुनाव नेता नहीं जिताता चुनाव जनता जिताती आप देखिए ना सर कैसा आप लग रहा है चुटकुला के मूड में अरे? अरे नेता तो जाएगा ना रैलियां तो करेंगे ना।, ना सा नेता तो आज प्रियंका जी गई ना हिमाचल अभी आने दीजिए ना अभी आने दीजिए आपको नेता भी मिलेंगे रघु शर्मा लगातार वहां कैंप कर रहे हैं हमारी गुजरात की पूरी कांग्रेस वहां पर कैंप कर रही है हमारे राष्ट्रीय संयोजक वहां पर कैंप कर रहे हैं आपको महंगाई आप एक बात बताइए महंगाई नहीं होती बेरोजगारी नहीं होती हम क्या इनसे कहते आज सत्ताईस साल डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि गुजरात में सड़क है कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क पे गड्ढे हैं इस बात पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि इन बच्चों में से किसी को नौकरी मिली कि नहीं मिली आज इस बात की कोई चर्चा नहीं करेगा कि आज जो है वहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया जा रहा है संविदा पर भर्ती की जा रही है छह छह हजार रुपए में वहां टीचर भर्ती किए जा रहे हैं छह छह हजार रुपए में वहां पर स्वास्थ्य की यह स्थिति है कि हाईकोर्ट कहता है कि इससे नारकीय व्यवस्था कोई नहीं है कोरोना काल में यह मेरा वाच नहीं है यह गुजरात हाईकोर्ट का वाच है आज आप इस चीज को देखिए मुद्दों की लड़ाई होगी वहां पर पर्सनालिटीज की लड़ाई नहीं होगी पर्सनालिटी की तो बात पर्सनलिटी छोड़ दीजिए आप तो मेरी अभी, बात का सपोर्ट कर रहे हैं मैं भी यही कह रही हूँ क्यों नहीं कह रहे राहुल गांधी अरे राहुल गांधी क्यों नहीं राहुल गांधी जाकर राहुल गांधी के सारे सिपाही कह रहे हैं सब राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं आज की डेट में गुजरात हाथ उठाएगा गुजरात गुजरात का मुख्यमंत्री का नाम पिछली बार आपके यहाँ किसी को नहीं पता था इस बार इस बार भी नहीं पता है कितने लोगों को गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है पिछली बार भी मैंने पूछा था हाथ उठाइएगा कितने लोगों को पता करते है करते देख लीजिए एक ये स्थिति मैं नाम पूछूंगी इसे ऐसा नहीं कि हाथ उठा के फिर नाम नहीं पता है कि कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल सबको पता नहीं, है इस बार भूपेन्द्र पटेल पहले ही कह दिया आपसे मैंने पूछा किसी को पता नहीं था